पुरस्कृत किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतिमूर्ति के रूप में आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक जिनके योगदान को आजादी के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क जिस तरह से कहा जाता है, युवाओं का अपमान करने वाले, साथ ही साथ अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने की जो एक विशिष्ट हम मान सकते हैं उनमें क्वालिटी थी, जिसको लगातार उन्होंने ये कहा कि कैसे भारत को डायलॉग के जरिए, कूटनीति के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोशल मीडिया एक्स पर भी अपने विचारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की और आज उनकी 48वीं जयंती है। प्रधानमंत्री यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। ये अद्भुत और विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात जो कि एकता नगर, और ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं पुष्पांजलि सीधे आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम राष्ट्र की ओर से, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उस तपस्वी को।